पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक झटपट रेसिपी है जो आप चाहे तो सुबह भी ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक में लेना चाहें जब आप चाहें ले सकते हैं। ये बहुत ही ईजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और गरम कर लेंगे। तो हम अच्छे से गरम कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ना रहे। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम उसमें एक चम्मच शाही जीरा डाल देंगे अपना। एक चम्मच हरी मिर्च डाल देंगे। ये मटर मैंने वॉश करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर मिला देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। और एक चम्मच मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये कुरकुरे होने शुरू हो चुके हैं। आप जितना चाहें इसे कुरकुरा करना चाहते हैं, जितने आपके टेस्ट के अनुसार आप करना चाहें उतना आप कर लीजिए। मुझे थोड़े कुरकुरे ज्यादा पसंद है इसलिए मैं अब हम इसमें आधा चम्मच के आसपास गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। सर्दियों में मटर की तो आपके घरों में इतनी रेसिपी बनती है कि पूछिए मत। सबके घर में अपने अलग हिसाब से बनती है। मेरे घर में ये बनती थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर दूं। आप भी अगर ये खाते हो बनाते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे मटर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी। देखिए कितने कुरकुरे, कितने क्रंची, कितने मसालेदार हमारे मटर बने हैं। ये देख सकते हैं मैंने सर्व कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।